रायबरेली संविदा कर्मचारियों ने रायबरेली में निकट चंपा देवी सादिक लॉन में जिला कार्यकारिणी की बैठक की। रायबरेली में जनपद के निकट चंपा देवी मंदिर सादिक लॉन में उत्तर प्रदेश निविदा संविदा पावर कारपोरेशन के पदाधिकारियों ने बैठक की। बता दें, आज उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के निविदा संविदा कर्मचारियों ने निकट चंपा देवी मंदिर सादिक लॉन में बैठक करते हुए संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष हर्षवर्धन ने संगठन के विषय में कर्मचारियों के हित में पूरी बात की और वहीं संगठन के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष गणेश तोमर ने अपनी बात रखी और बता दी कि जिला कार्यकारिणी रायबरेली का गठन चुनाव अधिकारी प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष गणेश तोमर, प्रदेश उपाध्यक्ष हर्षवर्धन, प्रदेश संगठन मंत्री हरीश चंद्र यादव की देखरेख में व संगठन के जिला संरक्षक नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में किया गया। वहीं कार्यक्रम संस्थापक संचालन मंध्याचल उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार कठेरिया ने किया। जिला कार्यकारिणी नवनियुक्त पदाधिकारी बने जिला अध्यक्ष विजय कृष्ण चौरसिया, जिला महामंत्री धर्मेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष अनुज कुमार, भूपेंद्र बहादुर सिंह, जिला संगठन मंत्री रमेश कुमार सोनकर, जिला मीडिया प्रभारी राम कुमार पाल, जिला कोषाध्यक्ष राम स्वरूप, जिला कार्यकारिणी मंत्री राजेश यादव, जिला संयोजक प्रमोद तिवारी नवनियुक्त पदाधिकारी बने और कार्यक्रम में आए हुए कर्मचारी जावेद अख्तर, लक्ष्मीकांत सोनकर, अमरिंद्र कुमार, मनसाराम आदि लोग शामिल हुए। रायबरेली से अंशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम हर्षवर्धन है, मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ जो कार्यक्रम रखा गया है, क्या उद्देश्य है? आज ये कार्यक्रम अब आपके जनपद रायबरेली में इसलिए रखा गया है कि पूरे प्रदेश के 75 जिलों में हमारे संगठन के जिला कार्यकारिणियों का चुनाव चल रहा है, उसी के दौर में हम आज यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ भी जनपद इकाई का गठन होना है और जनपद इकाई का गठन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में शासन द्वारा प्रशासन द्वारा हमारे संविदा कर्मचारियों का आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। जगह जगह ईपीएफ घोटाला और वेतन विसंगतियों को लेकर के ये चल रहा है। इनको लेकर के हम अपने संगठन को मजबूत करना चाह रहे हैं और एक मजबूती के तौर पर एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे, जिसके तहत हम लोग समान कार्य समान वेतन की रिट भी जीत चुके हैं और तमाम हमारी जो बातें हैं उनको लेकर के हम लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उससे पहले हम लोग अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और इस उद्देश्य को लेकर के आज का ये जो कार्यक्रम आपके रायबरेली में आयोजित किया गया है, जिला कार्यकारिणी का गठन है, सर्वसम्मति से यहाँ जिला पदाधिकारियों का चुनाव किया जाएगा और बाकी यहाँ जनपद की जो भी समस्याएँ होंगी उनको हम समझ करके जान करके प्रदेश स्तर पर उठाने का काम करेंगे और कर्मचारियों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। संविदा कर्मचारी लगातार दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, मानक के तहत उनको उपलब्ध भी नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? एसआई की सुविधा भी उन्हें नहीं दी जा रही है। देखिए, इसी को लेकर के ये संगठन पूरे प्रदेश में लड़ाई लड़ रहा है। समय समय पर हम लोग पत्राचार के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से और बड़े आंदोलनों के माध्यम से सरकार और प्रशासन के लिए, विभागीय अधिकारियों के लिए आगाह कर चुके हैं कि बिना सुरक्षा उपकरण दिए हम लोगों से काम कराया जाता है और ESI जगह जगह कहीं कहीं लागू है, कहीं कहीं हमारे संविदा कर्मचारियों के लिए ESI का लाभ नहीं मिल पा रहा है और EPF के जो मद में पैसे धनराशि जमा होना चाहिए उसमें भी घोटाला किया जा रहा है। हम लोग बड़े स्तर पर इसकी तैयारी कर रहे हैं और समय समय पर सरकार को भी हमने आगाह किया है और हम लोगों को न्याय मिल सके हम लोग लगातार प्रयास में हैं और आने वाले समय में हम इनको जवाब देने का काम करेंगे। क्या सरकार से भी कुछ मांगे हैं? सरकार से मांगे हैं कि हम लोगों को जो हमारा अनुबंध जो किया जाता है, पहली बात तो हम लोगों का जो अनुबंध है वो गलत किया जा रहा है क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क काम करते हैं, चाहे लाइन का लाइनमैन हो चाहे उपकेंद्र परिचालक हो, ये सब हार्ड वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिकल काम है और हमारा जो अनुबंध है वो लेबर का किया जा रहा है। इसको समाप्त करके इलेक्ट्रिकल वर्क का अनुबंध किया जाए जिससे कि हम लोगों को न्यूनतम वेतन के आधार से हम लोगों को वेतन मिल सके।